नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आज के आधुनिक युग जहां लगातार प्रदूषण से प्रभावित होता जा रहा है, वहीं आम लोगों का रुझान अपने घरों के आंगन और ड्राइंग रूम में रंग बिरंगे फूलों और मेडिसिन प्लांट लगाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन द्वारा अपने घरों में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों से उन्हें आस के प्रदूषण से प्रभावित माहौल में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वहीं उनके घर के वातावरण को खुशबूदार और मनमोहक बना देते हैं। सरकार द्वारा भी लोगों को समय समय पर पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया जाता है। सरकार के वन विभाग द्वारा समय समय पर मुफ्त में पेड़ पौधे वितरित किए जाते हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें। ऐसा देखने में आया है कि आजकल लोगों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूकता काफी बढ़ती जा रही है। ऐसा देखने में आया कि बड़े बड़े समारोहों में आजकल नेताओं को सूखे फूलों और अन्य फूलों से बने बुके ना देकर तरह तरह के मनमोहक पेड़ पौधों से स्वागत एवं सम्मानित किया जाता है। शहर की एक नर्सरी में पेड़ पौधे खरीदने आए लोगों और नर्सरी के मालिक ने बातचीत में कहा कि अब लोगों का रुझान पेड़ पौधे लगाने की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि आजकल देश विदेश से कई निराली किस्मों के पेड़ पौधे और मेडिसिन प्लांट आए हुए हैं, जिन्हें लोग अपने घरों, ऑफिस और ड्राइंग रूम में लगाने लगे हैं। उनका कहना है कि अब अधिकतर लोग बच्चों के जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ पर पेड़ पौधे उपहार में भेंट करते हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और इससे वातावरण भी सुरक्षित रह सके और लगातार प्रदूषण से प्रभावित माहौल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सके और आम लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम उधम सिंह है और मेरे नर्सरी 2014-15 के करीब ऐसे स्टार्ट की थी जी। और मेरा पर्पस था कि इसको स्टार्ट करने का, कि एक तो आजकल प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, कि प्रदूषण की वजह से भी हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक के कारण, और इसमें हमारे शुद्ध वायु वातावरण के लिए हमने ये नर्सरी स्टार्ट की थी। और वैसे मैंने घर पे भी काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जी, और मेरे को काफ़ी शौक था पेड़ पौधे लगाने का, और इसी के कारण मेरे को लगा कि मैं नर्सरी ही करूं, और जिससे हमारे वातावरण को साफ सुथरा भी होएगा और अच्छा भी लगेगा आने वाले टाइम में। इसी पर्पज़ के लिए मैंने नर्सरी स्टार्ट की थी। और आज हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन की है और मैंने यह सोचा कि हट के थोड़ा काम करूं, और जिससे वो काम भी ऐसा हो कि जो समाज के कल्याण के लिए अच्छा हो, और उसी के कारण ही मैंने यह नर्सरी स्टार्ट की थी, जिससे सभी समाज का और अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, अच्छी हवा आए, अच्छा प्रदूषण से भी बच के रह जा सकता है जी। इसी वजह से मैंने नर्सरी स्टार्ट की थी। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में, और ये पहले मेरे पास ही बहुत ही कम कस्टमर आते थे, इतना कम सॉन्ग था हमारे यहाँ पे। तो आज कल जैसे देखता हूँ तो युवा भी बहुत ही और काफ़ी पेड़ पौधे लेने आ रहे हैं। जैसे पहले गुलदस्ते लेके जाते थे, तो आजकल ही पौधे गिफ्ट करते हैं जी। कोई भी त्यौहार हो या कैसे भी हो, या फिर कोई फंक्शन हो, कोई जन्मदिन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, या फिर कैसे भी हो, तो उसमें आजकल पौधे ही ज़्यादा गिफ्ट करते हैं। स्कूलों में बर्थडे होता है तो बच्चों से ही मतलब पौधे लगवाए जाते हैं, कि उससे अच्छा पेड़ पौधे हो, हरियाली हो और हमारा वातावरण साफ सुथरा रहे। क्या हाँ जी, मेरे पास एक फैशन फ्रूट है जो हम कृष्णा फल भी बोलते हैं उसको, और वो हमारा साउथ साइड में ज़्यादा होता है, वैसे विदेशी ही फ्रूट है वो। तो उसमें हम हर एक बीमारियों को काम आता है जी वो, और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, हमारे शरीर के लिए उसका जूस भी बनता है जी, और हम नेट पे भी उसको सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। हाँ जी, मेरे पास एलोवेरा भी है, हार सिंगार भी है, जिससे गोड्डों में दर्द होता है उससे छुटकारा मिलता है, उसका जो पानी में उबाल के उसका पानी पीना पड़ता है जी। और भी काफ़ी वैरायटी है, कड़ी पत्ता है जी, तुलसी है जी कई प्रकार की, तो वो भी मेडिसिन में यूज होती है। और भी जैसे बेलफत्तरा है वगैरह, और भी वैरायटी है जी, जैसे आंवला है अच्छा जो मेडिसिन में यूज होता है जी। और भी जैसे हम सपोज करो कि और भी है, जैसे हम आगे भी नर्स हाँ जी, जैसे घरों में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में भी, लॉबी वगैरह में यूज करते हैं, जैसे एरिका पाम है, वो हर टाइम ऑक्सीजन देता है जी 24 घंटे, वो भी घरों में लगाना चाहिए। रिक्सोना पाम है, मनी प्लांट है, काफ़ी दफन है जी, काफ़ी वैरायटी हैं जो हमारे घरों में लगानी चाहिए, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है उससे। हाँ जी, मेरे पास अधिकतर सभी प्रकार के पौधे I2Z, तो कोई ऐसी ही वैरायटी होगी जो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन सभी पौधे मेरे पास मिलते हैं, मेडिसिन हो, फ्लावर हो, डेकोरेशन हो, जैसे मर्जी प्लांट्स हो जी।
तो क्या ये मेरे इसी पर्पज के लिए मैंने नर्सरी की थी कि हर घर पे पेड़ पौधे हों। इसी करके ही मैं बहुत ही कम रेट में पौधे सेल करता हूँ। अधिकतर मेरे सभी स्कूलों में, सरकारी ऑफिस वगैरह में सभी जहाँ भी जाते हैं जी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है और रेट भी बहुत ही, मेरे पौधे बहुत ही अच्छे भी चलते हैं जी। रेट भी बहुत ही कम है जी, मार्केट से देखा तो रेट में बहुत ही फ़र्क होता है जी। तो क्या मानना है? हाँ जी, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम नहीं भी पौधे लगाएं तो अपने बर्थडे पे जरूर लगाएं जी एक पौधा। जब भी अपने बच्चे से लगवाए जी, घर में जितने मेंबर हैं सबसे एक एक पौधा लगवाए और उससे उनकी देख देख के लिए बोले कि आपने इसकी देख देख करनी है, और उससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जी, फैमिली वालों को भी और बच्चों को भी। जैसे बहुत अच्छा लगेगा, घर की डेकोरेशन भी बढ़ेगी, जो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और देखने में बहुत खूबसूरत भी और अच्छे भी लगेंगे जी। तो इसके एक, हाँ जी कट करना एक मिनट बताओ ना। ना जैसे हम फ्रूट जी, जैसे स्ट्रॉबेरी का पौधा रखा है जी हमारे पास, वो भी बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगता है जी और खाने में भी बहुत अच्छा है जी स्ट्रॉबेरी का। और उस हमारे खून को, हमारे रक्त को भी साफ़ सुथरा रखता है जी, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है जी स्ट्रॉबेरी का पौधा। तो क्या हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर हर समाज को, कि हर व्यक्ति को, कि आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाए, अपने ऑफिस में पेड़ पौधे लगाए, उससे प्यार करें जी, और उससे ही हमारा जीवन भी बहुत ही खुशहाल होएगा और हमको बहुत ही अच्छा लगेगा जी। जी, मेरा नाम मनजीत सिंह है, मैं सेक्टर 19 यहीं हुड्डा कैथल निवासी हूँ। मैं अक्सर आता रहता हूँ पौधे लेने के लिए, पेड़ पौधों का शौकीन हूँ, अपने खेत में भी लगाता हूँ, घर में भी लगाता हूँ और अपने मित्र प्यारों को भी कहता हूँ, पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है, यही असली चीज़ है जिससे हम सांस लेते हैं। मकान पे चाहे आप करोड़ों लगाएं, लेकिन पेड़ पौधों की जो सजावट होती है वो उन करोड़ों से ज़्यादा जो टाइलों से, ईंटों से अच्छी लगती है। तो आप ये सभी प्रकार के पौधे लेता हूँ, सीजनल भी हैं, फल फ्रूट के भी हैं, हर प्रकार के पौधे हैं यहाँ, सही दाम पर पौधे मिलते हैं इस नर्सरी में, अक्सर आता रहता हूँ मैं तो क्या जी। ये सही चलन है, ऐसा करना चाहिए लोगों को। बताइए ना जी क्या बताइए। मैं यह दिनंदा, मैं तो उड़ी जूँ जी। देखिए, हर प्रोग्राम में आजकल इनका चाल चलन बढ़ गया है, पौधे लोग आपस में बांटते भी हैं, देते भी हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी का आपस में कोई प्रोग्राम, पार्टी हो, बच्चों का बर्थडे हो, स्कूल का कोई प्रोग्राम है जी, तो क्या मतलब अच्छी आदत, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पौधे में ऑक्सीजन देते हैं, हम इसे सांस लेते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है जी।